मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं दिवाली के बाद साबुन और अपमार्जक, अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट, ठीक है। तो ये जो डिटर्जेंट का उपयोग क्यों करते हैं, साबुन का भी तो उपयोग करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट की क्या आवश्यकता है, आखिर उसका उपयोग क्यों होता है, इसके बारे में आज मैं बताऊँगी। उसके लिए पहले कुछ हम प्रवृत्ति देख लें, ठीक है। हम फिर से ये प्रवृत्ति आपके किताब के पेज नंबर 85 पर दी गई है। हमें दो टेस्ट ट्यूब ले लिए, दोनों में 10-10 ml पानी डालो, लेकिन पानी कौन सा पानी, एक शुद्ध जल बारिश का पानी, एक समुद्र का पानी, समुद्र का पानी ले लो, खारा पानी ले लो, आप कुछ भी ले लो, कठोर जल, कठोर जल जिसमें किसकी मात्रा होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा होती है, ठीक है। अब दोनों में साबुन डालो, दोनों में साबुन डालो और ऐसे ऐसे करके हिलाओ, ऐसे करके हिलाओ, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा, आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा किसमें झाग बनता है अच्छी तरह से। तो आप देखोगे जो बरसात वाला पानी था, जो शुद्ध जल था, अच्छा जल था, उसमें झाग अच्छी तरह से बनता है। लेकिन जो कठोर जल है, जो खारा पानी है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा है, उसमें झाग अच्छी तरह से नहीं बनेगा, ठीक है। तो कठोर जल में साबुन प्रक्रिया नहीं करते, ठीक है। लेकिन जो शुद्ध जल है उसमें साबुन प्रक्रिया करते हैं। अब आप जानते हो हम सबके पास क्या है, हम सबके पास मीठा पानी बहुत ही कम है। हमारे पास आप जानते हो 75% हमारा पूरी धरती पर पानी है, लेकिन उसमें सिर्फ शुद्ध जल 3% के आसपास है। तो अगर हमारे घरों में पीने के लिए पानी तो उपयोग करते हैं, लेकिन हम जो हमारी टंकी में पानी जाता है वो इतना पानी जो होता है वो थोड़ा बहुत समुद्र का, नदियों का तो होता है, पर इतना पीने योग्य नहीं होता है। तो उसी से हम कपड़े धोते हैं, तो क्या करें, तो इसका उपाय है डिटर्जेंट, ठीक है। तो कोई ना कोई उपाय तो रहता है ना, तो डिटर्जेंट को कहते हैं अपमार्जक। तो अपमार्जक की आवश्यकता क्यों पड़ी, अपमार्जक की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि साबुन भी वही काम करा रहा है मैल को निकालने का, डिटर्जेंट भी वही करेगा। लेकिन डिटर्जेंट में क्या खासियत है, डिटर्जेंट की ये खासियत है कि वो खारे पानी में भी प्रक्रिया करेगा। जो पानी कठोर जल है, खारा पानी यानी कठोर जल जिसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, उसमें भी प्रक्रिया करेगा, ठीक है। तो जो साबुन है वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों से अभिक्रिया करता है। तो ऐसे में जल का उपयोग करना पड़ता है, ऐसे में अधिक जल का उपयोग करना पड़ता है, जहाँ दोनों हमें बहुत सारा साबुन लगाना पड़ता है, अधिक जल का उपयोग करना पड़ता है। तो ऐसे में कोई ना कोई उपाय तो खोजना ही पड़ेगा। तो कौन सा उपाय है, अपमार्जक। अपमार्जक कठोर जल में भी और नरम जल में दोनों में प्रक्रिया करते हैं। अब ये तो एक्टिविटी बता दी, अब हम फिर से दूसरी प्रक्रिया ले रहे हैं। दो टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं और इसमें 5-5 बूंदे पानी डाल रहे हैं। एक में हमने साबुन डाला और एक में हम डिटर्जेंट डाल देते हैं। क्या डालते हैं, एक में साबुन डाल देते हैं, एक में डिटर्जेंट डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों में कौन सा जल लिया है हमने, कठोर जल, नरम जल नहीं, कठोर जल, कौन सा जल जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा है। इसमें भी समुद्र का पानी ले लिया, इसमें भी समुद्र का पानी ले लिया, कठोर जल ले लिया, और एक में साबुन डाला, एक में डिटर्जेंट डाला, दोनों को हिलाया, ठीक है। तो किसमें झाग बनेगी, तो झाग बनेगी डिटर्जेंट वाले में, साबुन वाले में झाग नहीं बनेगी, क्योंकि साबुन कठोर पानी में प्रक्रिया नहीं करता। तो साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण कहाँ पे होते हैं, कठोर पानी में, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण से अभिक्रिया करता है, ऐसे में अधिक जल का उपयोग करना पड़ता है। तो इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, डिटर्जेंट का। सर्फ एक्सेल है ना, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल है ना, तो सर्फ एक्सेल क्या है, डिटर्जेंट है, ठीक है। तो वो किसी भी पानी में, चाहे कठोर जल हो,
चाहे नरम जल दोनों में प्रक्रिया करता है। अब आप समझ गए ना कठोर जल में क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा साबुन घिसना पड़ता है। तो इसका उपाय क्या है, इसका उपाय है डिटर्जेंट। ठीक है, तो अपमाजक यहाँ कह सकती हो डिटर्जेंट, लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण, उसमें कौन सा लवण है, सल्फोनिक लवण और लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण के होते हैं, सल्फोनिक लवण और अमोनियम लवण के होते हैं। ठीक है, तो लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण और लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण के होते हैं, और जो क्लोराइड और ब्रोमाइड के साथ जुड़े होते हैं, किसके साथ जुड़े होते हैं, उनके आयन कौन से होते हैं, इनके पास भी एक आयनिक सिरा होता है। तो जो आयनिक सिरा है वो किसका बना होता है, वो बना होता है क्लोराइड और ब्रोमाइड का। किसका बना होता है बच्चों, क्लोराइड और ब्रोमाइड का। तो अब ये जो आयनिक सिरा है, ठीक है, वो भी किसके साथ प्रक्रिया करेगा, पानी के साथ प्रक्रिया करेगा, प्रक्रिया वही है। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो ये आयनों के साथ प्रक्रिया करते हैं, तो ये अगर कठोर पानी है, कैसा पानी, कठोर पानी, तो इन यौगिकों को आवेशित सिरा, आवेशित सिरा का मतलब क्या होता है, आयनिक, आवेशित सिरा का मतलब क्या होता है, आयनिक भाग, वो आयनिक भाग जल में स्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ प्रक्रिया करता है, लेकिन उनके साथ प्रक्रिया करके भी अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता, परंतु क्या उत्पन्न करता है, झाग उत्पन्न करता है, कौन से पानी में, कठोर पानी में। इसलिए हम किसी भी पानी में डिटर्जेंट का उपयोग कर सकते हैं, और इन्हीं का उपयोग शैम्पू बनाने में भी होता है। अब आप शैम्पू लगाते तो झाग भी उत्पन्न होती है ना, है कि नहीं, पर आजकल का देखो लिक्विड डिटर्जेंट भी आ गए हैं, पहले एक ऐसा था कि पाउडर के रूप में होता है, पर आजकल लिक्विड के रूप में भी डिटर्जेंट आने लगे हैं। तो बच्चों मैंने आज आपको ये लेसन पूरा करा दिया, आपको मैं भेज दूँगी कि क्या क्या इस लेसन में से फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी आप पढ़ते रहना, हम लाइव भी आएंगे और यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपका काम है, हम जितना पढ़ा रहे हैं बच्चों उतना, सॉरी, पढ़ते रहना, मैं पकड़े रहती हूँ, तो पढ़ाई करते रहना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।